हेलो वन, वेलकम टू GMAX स्टूडियोज। आज हम बात करेंगे HDR यानी हाई डायनेमिक रेंज इमेजेस क्या होती हैं और उन्हें कैसे शूट करते हैं। हर फोटोग्राफ, हर सीन में एक डार्क हिस्सा होता है जिसे शैडोज कहते हैं और एक ब्राइट हिस्सा होता है जिसे हाइलाइट्स कहते हैं। कभी कभी यूं होता है कि हाइलाइट्स और शैडोज के बीच का डिफरेंस इतना ज्यादा होता है कि इसे एक फोटोग्राफ या एक एक्सपोजर में कैप्चर कर पाना मुमकिन नहीं होता है। ऐसे हालात में हम तीन फोटोग्राफ्स को लेके साथ ब्लेंड करके एक HDR यानी हाई डायनेमिक रेंज इमेज बनाते हैं। तो करना यह होता है कि तीन फोटोग्राफ्स लेनी होती हैं, एक जो प्रॉपरली एक्सपोज्ड है, एक जो एक या दो स्टॉप से अंडर एक्सपोज्ड है और एक जो एक या दो स्टॉप से ओवर एक्सपोज्ड है, और इन तीनों को ब्लेंड करना होता है। कुछ लोग तीन के बजाय पांच फोटोग्राफ लेना भी पसंद करते हैं, तो हमारे इमेज का सीक्वेंस होता है -2, -1, 0 जो कि करेक्टली एक्सपोज्ड इमेज है, +1 and +2। तो हम लोग HDR रात को शूट करने यहाँ पे आए हैं और मैं रिकॉर्ड करूँगा ताकि आप देख सकें कि कैमरा में क्या हो रहा है। ISO 400 f/2.8 2.5 सेकंड्स का एक्सपोजर है और मैं चाहूँ तो ये ब्रैकेटिंग से भी कर सकता हूँ, पांच अलग इमेजेस ले सकता हूँ, लेकिन इस वक्त मैं इसको मैनुअली करूँगा ताकि आप लोग देख सकें कि क्या हो रहा है। तो मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ और एक जो मीटर रीडिंग जो कैमरा बता रहा है उस पे हम एक एक्सपोजर लेते हैं। एक एक्सपोजर हम लेते हैं -2 पे, एक एक्सपोजर हम लेंगे -1 पे। एक्सपोजर कॉम्पनसेशन बटन यूज कर रहा हूँ मैं, कैमरे का सबसे ज़रूरी बटन मैंने बोला था। एक बार अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। एक्सपोजर कॉम्पनसेशन 0 वाली फोटो मैं सबसे पहले ले चुका हूँ, अब मैं +1 वाली एक और फोटो ले रहा हूँ। इसके बाद मैं एक एक्सपोजर कॉम्पनसेशन +2 करके एक फाइनल तस्वीर लूंगा। टोटल पांच तस्वीरें हैं, -2, -1, 0, +1, +2, और इन सबको ब्लेंड करके हम लोग HDR यानी हाई डायनेमिक रेंज इमेज बनाएंगे। तो ये हमारी शूट की हुई पांच तस्वीरें हैं, ये जो प्रॉपर एक्सपोजर है, ये अंडर एक्सपोज्ड बाय 2 स्टॉप्स, अंडर एक्सपोज्ड बाय 1 स्टॉप, ओवर एक्सपोज्ड बाय 1 स्टॉप और ओवर एक्सपोज्ड बाय 2 स्टॉप्स। अब हम इन पांचों को सेलेक्ट करते हैं और फोटो में जाके फोटो मर्ज कमांड देते हैं और फोटोग्राफ्स अपने आप आपस में मर्ज हो जाती हैं। इसमें थोड़ा सा वक्त लग सकता है और ये HDR तैयार। इसमें और भी ऑप्शंस हैं जिनके बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे, और हम मर्ज का कमांड देते हैं क्रिएटिंग HDR और HDR फाइल तैयार। तो ये आपकी नई HDR फाइल है। अब अगर हम चाहें तो इसमें थोड़े से करेक्शंस और कर सकते हैं। और ये HDR बहुत से कैमरास में HDR फंक्शन बिल्ट इन होता है, लेकिन मेरे हिसाब से ये बहुत ज़्यादा अच्छा काम नहीं करता है। आपको अगर अच्छी HDR इमेज खींचनी है तो उसे मैन्युअली करना ही बेहतर है। आजकल के कैमरास में सेंसर टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हो गई है कि हम सिंगल एक्सपोजर से भी HDR इमेज क्रिएट कर सकते हैं।
HDR खींचते वक्त थोड़ा सा एहतियात बरतना होगा, कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा। पहला ये कि आपको ट्राइपॉड का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि एक्सपोजर्स के बीच में अगर कैमरा जरा सा भी हिल गया तो फोटोग्राफ्स ठीक से मर्ज या ब्लेंड नहीं होंगी। सेकेंडली, फोटोग्राफ में जितनी मूविंग ऑब्जेक्ट्स कम होंगी उतनी ही HDR फोटोग्राफ अच्छी आएगी। और तीसरी बात ये कि जब आप उसे प्रोसेस करें तो बहुत ज़्यादा प्रोसेस ना करें, क्योंकि ज़्यादा प्रोसेस करने से HDR इमेज की खूबसूरती चली जाती है और वो आर्टिफिशियल लगने लगती है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल GMAX स्टूडियोज को सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो तक बाय बाय।